सबसे पहले आज आपको महंगाई के उस चक्रव्यूह के खिलाफ दस्तक देनी है जिसमें एक महंगे सामान का एक द्वार किसी तरह जब तक जनता तोड़ती है तब तक महंगाई के दूसरे द्वार पर किसी और ज्यादा कीमत वाले सामान से युद्ध जनता को लड़ना पड़ता है। यह हालत तब है जब खुदरा महंगाई दर 15 महीने के उच्चतम स्तर पर है। यह स्थिति तब है जबकि आरबीआई तक कहता है कि सितंबर तिमाही में महंगाई भी 6% से ऊपर रह सकती है। तो अब जनता दस्तक देकर पूछती है कि इस महंगाई के चक्रव्यूह से कैसे निकलें, जहां टमाटर सस्ता होता है तो दाल महंगी होती है, दाल कम खाना आम आदमी शुरू करता है तो मसालों की महंगाई स्वाद बिगाड़ देती है। टमाटर कम डाल के हमने सोचा कि चलो जीरा वगैरह ऐड करते हैं, अब जीरा जीरे को ही महंगा कर दिया है। मसाले इतने महंगे हो तो कहाँ कहाँ इंसान कितना कुछ करेगा, चाहे वो हल्दी हो चाहे वो धनिया हो, हम लोग का बजट एकदम से बिगाड़ दिया गया है। समझ मार्केट जाने पे समझ भी नहीं आता है कि मसालों में क्या खरीदा जाए क्योंकि हर एक चीज बहुत महंगी है। जो बेसिक चीजें हैं वो थोड़ी सी सस्ती हो जाए जिससे कि अच्छे से जीवन जो है चल सके, और बस यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा इसको सस्ता कर दिया जाए। महंगाई की चक्रव्यूह में आम आदमी अभिमन्यु की तरह फंसा, जिसमें पिछले कुछ वक्त का संघर्ष जनता का देखें तो पहले गैस सिलेंडर की कीमतों की महंगाई के द्वार पर फंसा, उसे स्वीकार करके चक्रव्यूह के अगले द्वार पर पहुंचा तो खाने के तेल की कीमतों ने फंसाया, उसे भी आम आदमी झेलता आया तो हरी सब्जियों की महंगाई ने रुलाया, फिर कभी प्याज की महंगाई को झेल गया, फिर 2 महीने टमाटर के दाम 250 रुपए किलो तक होने में लाइन लगाकर आम आदमी सस्ते टमाटर की आस में खड़ा रहा। अब टमाटर की लड़ाई लगा जीत लेगा तो दाल की कीमतों ने अगले द्वार पर महंगाई के चक्रव्यूह में रोक लिया, अब दाल भी आम आदमी कम खा ले, लेकिन फिर मसालों की महंगाई ने स्वाद भुलाकर सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। इसीलिए आज तक संवाददाता सुशांत मेहरा, पहले दालें फिर सब्जियां और उन सब्जी और दालों में लगने वाले मसालों का तड़का भी इन दिनों आम आदमी की जेब पर भारी पड़ता जा रहा है। और आज तक के संवाददाता आशीष श्रीवास्तव, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है ऐसे में मसाला भी महंगा हुआ है। मसालों की महंगाई वाले चक्रव्यूह में फंसे आम जनता की दस्तक आपके सामने लाते हैं, जिन्हें जीरा हल्दी काली मिर्च समेत तमाम मसालों ने स्वादानुसार नहीं बल्कि जेबानुसार मसाला डालने के लिए मजबूर कर दिया। पहले समस्या समझते हैं। कुछ ना कुछ महंगा होता रहता है, कभी प्याज महंगा कर देते हैं, कभी टमाटर महंगा कर देते हैं। हम तो यही सोचते रहते हैं कि किस चीज में जो चीज महंगी है, कभी नींबू महंगा हो जाता है, हर साल कोई अलग ही चीज महंगी होती है और उससे किचन पे फर्क पड़ता रहता है। देश की राजधानी दिल्ली के प्रीत विहार में रहने वाली बरखा की सास इंदु गुप्ता दाल बीन रही है। दाल की महंगाई से जली हुई जनता दाल खाना कम करने के बाद पूछने लगी है, अब क्या दाल छौंकना भी बंद करके काम चलाएं? महंगाई इतनी बढ़ रही है कि क्या करें, कहां से कहां कटौती करें, इनकम सोर्स बढ़ता नहीं है और महंगाई बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। बहुत असर पड़ रहा है, पहले तो टमाटर इतना महंगा होता था, अब दालें हो गई, अब दाल मसाले इतने महंगे हो तो कहाँ कहाँ इंसान कितना कुछ करेगा, इतना तो बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, कितना इंसान कटौती कहाँ कहाँ करेगा, जब सब्जियाँ दालें मसाले इतने महंगे होंगे तो क्या करेंगे। पेट्रोल डीजल महंगा है तो कम गाड़ी चलाओ, दाल महंगी है तो अरहर की क्यों खाओ कुछ और खाओ, टमाटर महंगा है तो घर के गमले में उगाओ, ऐसी तमाम दलीलें पहले महंगाई के चक्रव्यूह में फंसी जनता कुछ नेताओं की तरफ से सुनने के बाद पूछती है कि क्या जीरा हल्दी काली मिर्च भी गमले में उगाकर खाएं या खाना बंद कर दें। कढ़ाई में कलछुल चलाकर मसालों की महंगाई को झेलती प्रीति श्रीवास्तव जैसी देश की महिलाएं पूछती हैं, बताइए घर कैसे चलाएं? बहुत डिफिकल्ट हो गया है अब किचन को चला पाना क्योंकि हर एक चीज महंगी हो रही है, चाहे वो हल्दी हो चाहे धनिया हो, पर सबसे महंगा तो जीरा हो गया क्योंकि हर चीज में जीरे की एक इम्पोर्टेंस होती है, बिना दाल के बिना जीरे के आप दाल नहीं फ्राई कर सकते हो
और कई चीजें जो आप नहीं कर सकते हो, और लेकिन फिर भी जीरा ही महंगा हो रहा है। आपको कुछ भी फ्राई करना है, चावल फ्राई करना है या फिर कुछ भी करना है, तो आपके लिए जीरा इम्पोर्टेंट है। हर चीज मैंने कम कर दी है, चाहे वो हल्दी हो चाहे वो धनिया हो। हम लोग का बजट एकदम से बिगाड़ दिया गया है। समझ मार्केट जाने पे समझ भी नहीं आता है कि मसालों में क्या खरीदा जाए। एक मिनट रुककर इस बात को नोट कर लीजिए, ये कहानी सिर्फ मसालों की महंगाई की ही नहीं, बात यहाँ महंगाई से लड़ने वाली होम मेकर की हो रही है, जिनके हाथ में चार पैसा बचता है तो घर के लिए ही इस्तेमाल करती हैं। पैसे बचते हैं तो हम कुछ और भी चीजें खरीद सकते हैं, जैसे बच्चों के लिए टॉफी है, कुछ भी खरीद सकते हैं, या फिर खिलौने हैं। लेकिन अब उतना ही पैसा हमें उस मसाले में देना पड़ रहा है, क्योंकि बिना खाने के तो इंसान नहीं जी सकता है भाई। यही बात लखनऊ की रचना गुप्ता ने भी कही, जब संवाददाता आशीष उनसे मसालों की महंगाई पर बात करने पहुँचे। रचना गुप्ता को लगने लगा है जब मसाला भले मिक्सर में पीसे, लेकिन मसालों की महंगाई ने उनके घर के बजट को असल में पीस रखा है। बेसिक चीजें हैं जो कि जीरा है, धनिया है, मिर्चा, ये सब तो सब्जी में डाले ही जाएंगे। अब अगर ये भी महंगा कर देगी सरकार तो कैसे काम चलेगा? जब एक गृहिणी किचन में काम करती है, उसका पूरा महीने का बजट बिगड़ जाता है, तो वो लास्ट में यही सोचती है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। कि एक आदमी जब घर में कमा के लाता है खाना, रुपए कमा के लाता है, फिर वो जब घर में पैसे बांटता है, उससे जो महिला को पैसे मिलते हैं, वो सब सामान खरीदती है, तो सबसे ज्यादा फर्क तो उसके ऊपर पड़ता है ना। मॉनसून की चाल ने महंगाई के रंग को और गहरा दिया है। आशंका है कि अगस्त में भी महंगाई दर 6% से ऊपर और 7% तक जा सकती है। अगर ऐसा ही रहा तो फिर ब्याज दरों में फेरबदल पर रोक जारी रह पाएगी क्या? इन आशंकाओं के बीच अब देखते हैं कि मसाला कितना महंगा हुआ जो महिलाएं दस्तक देने लगी। मसाले कितने महंगे हो गए जो महिलाएं देश की सवाल उठाती दस्तक दे रही हैं। इसलिए एशिया की सबसे बड़ी किराना बाजार खारी बाउली हम पहुंचे। मसालों पर लगी दाम की पर्चियों ने बता दिया, मसाले तो बड़े महंगे हो रखे हैं। 150 साल से जिन गुप्ता जी का परिवार मसालों का कारोबार यहाँ कर रहा है, उन्हें अब आप सुनिए। मैंने कभी अपने जीवन में इतनी तेजी नहीं देखी। आज जो जीरा साल भर पहले 280 रुपए किलो थोक के अंदर बिका करता था, उसकी कीमत 700-750 रुपए किलो के आसपास हो गई है। सौंफ जो 260 रुपए किलो हुआ करती थी, आज उसकी कीमत 560 रुपए किलो की है। हल्दी 70-75 रुपए किलो थी साल भर पहले, जो आज 175 रुपए किलो है। काली मिर्च जिसकी कीमत 350-360 होती थी एक साल पहले, आज उसकी कीमत 700 रुपए किलो की है। हर चीज पब्लिक की जेब से बाहर होती जा रही है। बाजार का हाल सुनिए तो अब एपीएमसी यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के दाम सुनिए। जीरा अप्रैल से अगस्त के बीच 300 रुपए से 720 रुपए किलो हो चुका है। हल्दी 4-5 महीने में 100 रुपए से 170 रुपए प्रति किलो हुई। सौंफ अप्रैल से अगस्त में 250 से 400 रुपए किलो हो गई। लौंग तो 650 रुपए से 1200 रुपए किलो तक पहुंच गई। छोटी इलायची 800 रुपए प्रति किलो से 1400 रुपए प्रति किलो, बड़ी इलायची 600 से 900 रुपए प्रति किलो, काली मिर्च 350 से डबल होकर 700 रुपए प्रति किलो हो गई। सवाल है कि आखिर मसालों के दाम में आग लगी क्यों? दिल्ली से लखनऊ तक व्यापारियों से ये सवाल पूछा। मसालों का प्रोडक्शन साल में एक बार होता है, जिनको स्टोर करके और पूरे साल उनका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से किया जाता है और खपत होती है। चूंकि इस साल मौसम की में प्रतिकूलता रही है, तो कमोबेश कई जिन्सों में, कई मसालों में इस बार भाव बढ़े हुए देखे जा रहे हैं। हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष के अंदर कुछ काली मिर्च बाहर से आ रही थी, उसके कारण यहाँ का बाजार काफी डाउन था। अब वो बाजार जो पीछे से काली मिर्च आ रही थी, वो काली मिर्च आनी हो गई बंद। अब बेसिकली हमारे इंडिया की क्रॉप के ऊपर ही हम टिके हुए हैं। इंडिया की क्रॉप कुछ कम है, सप्लाई ज्यादा है, इसके कारण क्या कहते हैं काली मिर्च के अंदर दाम आगे बढ़ेंगे। हल्दी की पोजीशन ये है जी, हल्दी का कारण बढ़ने का है, कुछ क्रॉप डैमेज है। यानी आम आदमी के पास फिलहाल महंगाई के चक्रव्यूह में मसालों के लिए ज्यादा दाम देकर जेब को शहीद करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।